बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बिहार सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि वो चोर दरवाजे से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उन्होंने बिहार विधान परिषद के चुनाव में कार्तिकेय सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया। मतलब नीतीश कुमार क्या लगता है बीजेपी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? मतलब लगता है कि असहज महसूस कर रहे हैं? वो सब ऐसे चलते रहेगा, खटखट सब कुछ होना जानी नहीं है। अलग नहीं होंगे ना, यूपी के इलेक्शन के बाद जो होगा होगा, भी कुछ नहीं होगा। सरकार चलेगा पाँच साल? पाँच साल नहीं, यूपी के इलेक्शन में कितना दिन है? 10 मार्च से रिजल्ट आ जाएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा ओकर बाद यहाँ निर्णय होगा। अभी जो होता है वो सब नाटक। क्या लगता है तेजस्वी के साथ जाने पर सहमति नहीं बने? तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, क्या तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो मुख्यमंत्री जनता बनाएगा, जनता उनको बना दिया था, बेईमानी चोरी करके कोई बना है, कुछ वोट कटवा आदमी खड़ा हो जाता है तो ओकर नतीजा भी कुछ भोगना पड़ता है। पटना में क्या रहता है, एमएलसी का चुनाव होना है, किसका समर्थन कर रहे हैं आप? हम कार्तिक मास्टर साहब कर रहे हैं, हमारा पार्टी भी कर रहा है, जीत जाएंगे उम्मीद है, जीतेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी को। वहीं अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बयान देते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने के चलते मुकेश सहनी नाराज हैं। अच्छा, मुकेश सहनी को एमएलसी दिया? हम नामों सुन रहे हैं, तीन चार को हम नामों सुन रहे हैं। जीतराम मांझी का नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, लगता कि वो सब दिन सबको धोखा ही देते रहे। बेकार है, जनता का सेवा करने के लिए कुल नहीं आया है। अपना परिवार को पद लेने के लिए जब जब इलेक्शन आता है तो छिड़ जाता है, ऐसे करेगा तो फिर कुछ देगा, ऐसे करेंगे तो फिर कुछ देगा। बिहार के इतना नेता सड़न है तो सबको लेता है, पार्टी में लेना नहीं चाहिए। लगता कि सबको लोग धोखा ही देते हैं, मांझी जी हो सहनी जी हो, सबको धोखा ही देते हैं, उन्हें पता है। वहीं जीतराम मांझी सीट नहीं मिलने पर एनडीए का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उनसे नहीं पूछने पर नाराज अवश्य हैं। उन्होंने मीडिया में भी बताया था कि एनडीए की सभी पार्टी को इस पर बातचीत करनी चाहिए, अपने मन से फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे में बिहार के बाहुबल नेता ने बिहार में नीतीश सरकार अगले कुछ महीने में गिरने की भविष्यवाणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।